हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कैपेसिटेंस के बारे में, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में, और हमारा सेशन खत्म होते होते हम पहुंच चुके थे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स पर। कैपेसिटर हमने बात की थी कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका शेप चेंज किए बिना, एक्सटेंड किए बिना, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो एक्सट्रीम लेवल तक इंक्रीज की जा सकती है। क्लियर? और हमने बात की थी कि इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाने का जो बेसिस था उसे कहा जाता था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हमने देखा था कि यहां पर हम क्या प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। क्लियर? प्रिंसिपल क्या था कैपेसिटर का? बाय कीपिंग चार्ज ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट डिक्रीजिंग और वी कैन से रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटेंस, रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? बाय कीपिंग द चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटेंस। क्लियर? कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्यू अपॉन वी, यहां से अगर हम क्यू को क्या रख दें गाइस, कांस्टेंट रख दें, तो सी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के। क्यू को हमें चेंज नहीं करना है, और क्यू को चेंज किए बिना लगातार अगर हम क्या करें, इसका पोटेंशियल रिड्यूस करते जाएं, डिक्रीज करते जाएं। क्लियर? तो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की वजह से इसकी कैपेसिटेंस जो है वो एक्सट्रीम अमाउंट तक इंक्रीज की जा सकती है। ये आपका बेसिक हो जाता है बेसिस ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? चलिए तो देखते हैं किस तरह से चार्ज को कांस्टेंट रख के पोटेंशियल रिड्यूस किया जाता है। कुछ स्टेप्स में देखेंगे। स्टेप वन में हम क्या करते हैं, ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड प्लेट ए, एक चार्ज प्लेट ए लेते हैं इस तरह से। इस प्लेट पर सपोज कीजिए कुछ चार्ज ऑलरेडी क्या है, डेवलप्ड है इस तरह से। इस क्यू प्लेट पर हमने कितना चार्ज दे रखा है, क्यू। इस प्लेट ए पर हमने चार्ज दे रखा है क्यू, जिसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो चुका है, वी। और ये वी क्या है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल है। ये वी क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, मतलब ये अपने मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच चुका है। कहने का मतलब अब इस प्लेट पर और कोई चार्ज यहां पर आ नहीं सकता। इसकी वजह से इस प्लेट की जो कैपेसिटी है वो क्या हो चुकी है, Q अपॉन V। प्लेट की कैपेसिटी बन चुकी है गाइस Q अपॉन V। हमने एक चार्ज प्लेट ली, A प्लेट, इसको चार्ज Q दिया, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल V जो है वो क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच चुका है। और अब ये इस अमाउंट पर पहुंच चुका है कि इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि इसको कोई भी अब एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज जो है वो सप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर हम इसे एडिशनल चार्ज इस पर सप्लाई करते हैं तो ये चार्ज जो है ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में वैनिश हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करें, मतलब अब इसकी जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की वो कॉन्स्टेंट हो चुकी है। क्लियर? और पोटेंशियल ऑन इट सरफेस, पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू वी हो चुकी है, जो कि क्या है,
मैक्सिमम है, मतलब अब इससे ज्यादा इसका पोटेंशियल नहीं बढ़ सकता क्योंकि चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, क्या करें। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, देखिए यहां पर ठीक है, ब्रिंग एन अनदर अनचार्ज्ड प्लेट, चार्ज्ड प्लेट नियर अबाउट दी चार्ज्ड प्लेट बी, सॉरी ए, जो हमारी पहले चार्ज प्लेट थी गाइस, इस तरह से जो हमारी पहले चार्ज प्लेट थी जिस पर प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो सप्लाई हो चुका था, क्लियर, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल सरफेस पर जो पोटेंशियल था वो कितना था, वी था। इसके पास में हम क्या करते हैं, इसके पास में एक दूसरी अनचार्ज्ड प्लेट ले आते हैं। ये प्लेट आपकी प्लेट ए है, तो ये प्लेट आपकी हो जाती है प्लेट बी। इसके पास हम क्या करते हैं, दूसरी एक अनचार्ज प्लेट ले आते हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन मान लीजिए आप कितना है, डी, दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो है डी। नाउ जैस, और ये सेपरेशन बहुत कम है, मतलब फाइनाइट सेपरेशन है, जैसे ही हम यहां पर एक अनचार्ज प्लेट बी लाएंगे तो यहां पर क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट ऑफ चार्जिंग के हमने प्रोसेसेस पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर के अंदर, बेसिक तीन प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को जब चार्ज बॉडी के नियर अबाउट लेकर आया जाता है तो उसमें ठीक है ऑपोजिट और सिमिलर पोलैरिटी के चार्जेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं, क्लियर। अगर ये दोनों कंडक्टर है तो यहां पर जो चार्ज डेवलप होगा वो इक्वल अमाउंट का होगा, तो इंडक्शन इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि आपकी जो ये चार्ज प्लेट है इस पर जो चार्ज है क्यू, ये एज इट इज रहेगा और इसकी वजह से इसका सरफेस पोटेंशियल जो है वो वी है। अब जब हम इसके पास में एक अनचार्ज प्लेट लेकर आ गए हैं तो इंडक्शन इफेक्ट की वजह से इस प्लेट के नियर फेस पर क्या हो जाएगा, नियरर फेस पर नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्लियर, जिसको हम नाम दे देते हैं माइनस क्यू ए। क्या नाम देंगे गाइस, माइनस क्यू ए। और इसका जो फार्दर फेस है, मैं इसको दोबारा बना देते हैं इसका जो फार्दर फेस है, इस तरह से इसका जो फार्दर फेस है प्लेट का, इस प्लेट पर क्या डेवलप हो जाएगा, सिमिलर पोलैरिटी चार्ज जिसकी वैल्यू होगी प्लस क्यू ए। इज इट क्लियर, दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो अभी भी कितना है, डी है, क्लियर, सेपरेशन क्या है, डी। तो यहां पर इंडक्शन इफेक्ट की वजह से देखिए ये इफेक्ट जनरेट होगा, जब हम किसी अनचार्ज प्लेट को चार्ज प्लेट के नजदीक ले आएंगे तो इसके नियरर फेस पर इंडक्शन इफेक्ट की वजह से नेगेटिव पोलैरिटी का चार्ज डेवलप हो जाएगा और फार्दर फेस पर ठीक है सेम पोलैरिटी का चार्ज डेवलप हो जाएगा, विच इज क्यू ए, क्लियर। नाउ अब न्यू पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ प्लेट ए के सरफेस पर अगर हम नए पोटेंशियल की बात करें तो देखिए ये जो चार्ज है आपका माइनस क्यू चार्ज भी क्या करेगा, इस प्लेट को इन्फ्लुएंस करेगा जिसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा, और ये साथ ही साथ प्लस क्यू चार्ज जो है ये भी इस प्लेट को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस प्लेट पर जो पोटेंशियल होगा मैं उसको लिख लेता हूं माइनस ए, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा प्लस ए, देख पा रहे हैं आप। तो इस न्यू पोटेंशियल की वैल्यू, प्लेट ए पर जो पोटेंशियल होगा, इस न्यू पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डैश,
ये हो जाएगी V. इस प्लेट का अपने खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या था? V. नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट पर जो पोटेंशियल आया वो आ गया माइनस वी ए, और पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट का पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस वी बी. देखिए नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से किसी भी कॉमन पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स, हमने प्रीवियसली डिस्कस कर रखा है इस चीज को. तो देखिए यहां पर तीन चार्जेस आ गए हैं, प्लस क्यू इस सरफेस का खुद का चार्ज, माइनस क्यू इस दूसरी वाली प्लेट का इंडक्शन चार्ज, और प्लस क्यू जो है वो सेम पोलैरिटी का इंडक्शन चार्ज. तो इन तीनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए के सरफेस पर नेट पोटेंशियल जो होगा वो ये हो जाएगा वी माइनस वी ए प्लस, सॉरी वी ए नॉट वी बी, इट्स ओनली वी ए. तो देखिए V और VB की वैल्यू सेम है क्योंकि सेम अमाउंट का चार्ज और सेम डिस्टेंस पर है. बेटा प्लेट तो ऐसे होगी ना, ऐसे, तो ये आगे पीछे वाले डिस्टेंस कंसीडर सेम ही होगी. तो यहां पर ये कट जाएगा और नेट पोटेंशियल दोबारा से आपके पास में क्या आ गया, V आ गया. मतलब देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए. तो सरफेस ए के पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया है. लिख देते हैं, इन द अबव कंडीशन, अबव कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द पोटेंशियल, इन द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए. अबव कंडीशन में जब हम ये वाली कंडीशन लेकर आ गए हैं, अबव कंडीशन में आप देख सकते हैं प्लेट ए के पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया. तो फिर ये प्रोसेस करने का फायदा क्या, किसी चार्ज प्लेट के पास में एक अनचार्ज प्लेट लाने का बेनिफिट क्या मिला हमें? कोई बेनिफिट नहीं मिला. तो हम क्या करें, देखिए इसमें अब थोड़ा सा चेंज करते हैं. क्या चेंज करते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट, मेक दी फार्दर फेस ऑफ प्लेट बी कनेक्टेड टू अर्थ. जो फार्दर फेस है प्लेट बी का उसको आप अर्थिंग से कनेक्ट कर दीजिए, अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए. क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी. ये सॉरी ये आपकी प्लेट थी ए प्लेट, प्लेट ए थी, इसका पोटेंशियल वी था, इस पर चार्ज क्यू था. यहां पर इसके नजदीक में जो इंडक्शन प्लेट थी दूसरी, इसका जो नियर बाय चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज था माइनस क्यू ए. इस पर यहां पर फार्दर फेस पर जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन हमने क्या किया, इस वाले एंड को फार्दर फेस को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया. जब हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो हमें पता है कि इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा का सारा पॉजिटिव क्यू चार्ज अर्थ में सप्लाई हो जाएगा. सारा का सारा पॉजिटिव क्यू चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में सप्लाई हो जाएगा. नेगेटिव नहीं जा पाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट कर रखा है, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट कर रखा है. तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी आपके पास, सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि अब आपके पास में जो दोनों प्लेट्स हैं, प्लेट ए इस पर ऑलरेडी चार्ज है क्यू, और जो दूसरी प्लेट है हमारी प्लेट बी, बी इस पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया माइनस क्यू ए का, और जो इसका फार्दर फेस है वो अर्थ से कनेक्ट हो चुका है. कुछ ये कंडीशन बन जाएगी हमारी. इस कंडीशन में, इस कंडीशन में न्यू पोटेंशियल
ऑफ प्लेट ए की अगर हम बात करें, प्लेट ए के सरफेस का नया पोटेंशियल बात करें, तो देखिए क्या होगा। प्लेट ए के खुद के चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल वी है, और ये जो चार्ज है माइनस क्यू है, ये भी इस सरफेस को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, जिसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा माइनस वी ए। तो जो नया पोटेंशियल आएगा हमारे पास वो क्या आएगा गाइस, वी डबल डैश। इस प्लेट ए के सरफेस पर जो न्यू पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, वी माइनस वी ए, वी माइनस वी ए। मतलब वी जो था देखिए वो आपके प्लेट ए के सरफेस का इनिशियल पोटेंशियल था, सबसे शुरुआत में जब ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच चुका था। हमने क्या किया, इसके पास में एक अनचार्ज प्लेट लेकर आए जो कि इंडक्शन इफेक्ट की वजह से अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज हो गई। उसके बाद जो फार्दर फेस था प्लेट बी का, उसे हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग, अर्थिंग, अर्थ से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से। तो आपके प्लेट बी पर नेट चार्ज क्या रह गया, ओनली एंड ओनली नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट ए के सरफेस पर पोटेंशियल, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लेट ए के सरफेस पर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, और नेट पोटेंशियल प्लेट ए के सरफेस पर आ गया वी माइनस वी ए। मतलब अब इस प्लेट ए के सरफेस पर चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन पोटेंशियल हमने पहले के कंपैरेटिवली क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया गाइस। इस प्लेट ए के सरफेस का पोटेंशियल कंपैरेटिवली पहले के कंपेयर में क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, देखिए रिड्यूस हो चुका है, देयरफोर यहां पर वी डैश की वैल्यू जो आएगी वो वी से कम होगी, क्योंकि वी में से कुछ माइनस हो चुका है, वी डैश की वैल्यू क्या हो गई, वी से कम हो गई। देयरफोर न्यू कैपेसिटी ऑफ प्लेट ए, प्लेट ए की न्यू कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C double dash is equals to Q upon V double dash, C is equals to Q by V से, और जो initial capacity थी plate की, initial capacity plate की जो थी जब हमने uncharged plate इसके पास नहीं लाई थी वो थी Q by V, initial capacity क्या थी, Q by V, और न्यू कैपेसिटी प्लेट की अनचार्ज्ड अर्थिंग प्लेट को लाने से हो गई Q बाय V डबल डैश। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, अगर मैं यहां पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का डिवाइड करता हूं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का डिवाइड, या 1 बाय 2 कर दीजिए, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हैं, मैं 1 बाय 2 कर लेता हूं, चलिए समझने में थोड़ा इजी रहेगा। 1 बाय 2 करें तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V डिवाइड बाय C डबल डैश, वो क्या हो जाएगा, इंटू वी डबल डैश अपॉन क्यू, अपोजिट टर्म ऊपर आ जाएगी, यहां से क्यू दोनों ही केस में कॉन्स्टेंट है तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो सी अपॉन सी डबल डैश की वैल्यू बन जाती है वी डबल डैश अपॉन वी, वी डबल डैश अपॉन वी। यहां से इस एक्सप्रेशन से देखिए, इफ वी डबल डैश इज लेस देन वी, वी डबल डैश आपका क्या है, लेस देन वी, वी डबल डैश आपका क्या है, सही है, क्लियर, v डबल डैश इज लेस देन v है, देयरफोर v डबल डैश अपॉन v का जो रेशियो होगा वो 1 से छोटा आएगा, नो सॉरी, हां बिल्कुल, v डबल डैश की वैल्यू छोटी है ना, तो v डबल डैश अपॉन v का जो रेशियो होगा वो यहां पर क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा, देयरफोर c अपॉन c डबल डैश का रेशियो भी क्या आएगा, 1 से लेस आएगा। C अपॉन C डबल डैश का रेशियो अगर 1 से छोटा आएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि C इज लेस देन C डबल डैश, C इज लेस देन C डबल डैश, हैंस जो आपके बाद की कैपेसिटी है C डबल डैश वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है इनिशियल कैपेसिटी से, प्लेट A की इनिशियल कैपेसिटी से आपकी जो बाद वाली कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। ये वाला एक्सप्रेशन C डबल डैश इज ग्रेटर देन C, C डबल डैश जो है वो क्या है, आपकी लेटर कैपेसिटी ऑफ प्लेट A, और C जो है आपकी वो क्या है, इनिशियल कैपेसिटी ऑफ प्लेट A। तो यहां पर इनिशियल कैपेसिटी जो है वो लेटर ऑन कैपेसिटी से इंक्रीज हो चुकी है गाइस, क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक अनचार्ज प्लेट को चार्ज प्लेट के नजदीक में ला करके
अनचार्ज प्लेट को चार्ज प्लेट के नजदीक ला करके हमने क्या किया, इस प्लेट ए की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। क्लियर? और इंक्रीज करने से क्या हो गया, अब आपको इसकी शेप और साइज को बढ़ाना नहीं पड़ा और आपकी प्लेट ए की कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का। क्लियर? ये क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारे कैपेसिटर का, देख लीजिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है यहां तक। ये बेसिक क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपके कैपेसिटर का। इट इज क्लियर? ठीक है, अब नाउ हम बात करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट हमने यहां पर कैपेसिटर का दिया है, तो यहां से देखिए कैपेसिटर कैसे बनता है। इस कैपेसिटर को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को कहा जाता है गाइस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, यहां पर प्लस चार्ज और यहां पर माइनस चार्ज। क्लियर? और ये वाला जो सरफेस होता है इसका, ये अर्थ से कनेक्ट हो रखा होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये कहलाता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। डी यहां पर स्मॉल डी क्या हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? इसके भी दो वर्जन्स होते हैं, दो वर्जन्स होते हैं। पहला, ठीक है, कांस्टेंट कैपेसिटर, कांस्टेंट कैपेसिटर, कांस्टेंट कैपेसिटर जो होता है वो इस तरह से होता है, और दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर जो होता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, और इसके ऊपर एक साइन की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया हमारा, क्या बन गया, पैरेलल प्लेट। इसके अलावा दो टाइप्स और होते हैं कैपेसिटर के, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्पेरिकल कैपेसिटर, बट वो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम उनको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इज इट क्लियर? ठीक है, जो कि कहां से बना, कैसे बना, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से ही बना है। देख लीजिए ये कैसे बना है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से बना है। क्लियर? ओके, चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, यहां पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कंप्लीट हो जाता है। और कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर कैसे बना, ये भी आपको समझ में आ गया कि अगर किसी चार्ज प्लेट के नजदीक में एक अनचार्ज प्लेट लगा दी जाए और उसके फार्दर फेस को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये डिवाइस कहलाता है कैपेसिटर। इसमें इस प्लेट ए की कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, एज कंपेयर टू इट्स साइज इंक्रीज हो जाती है विदाउट, ठीक है, चेंजिंग दी वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इट्स सरफेस। क्योंकि ये दोनों मेटल प्लेट्स है तो यहां पर चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव क्यू होगी और यहां पर नेगेटिव क्यू होगी। हमने इंडक्शन चार्ज या इंड्यूस चार्ज की डेफिनेशन वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला देख रखा है गाइस पहले भी, ठीक है, वहां से इस चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, ठीक है, सेम हो जाएगी। क्लियर? इंड्यूस चार्ज की वैल्यू इक्वल आएगी, तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज और यहां पर माइनस क्यू चार्ज। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। तो जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर आ चुके हैं तो हम यहां पर अब हम टॉपिक लगाते हैं। देखिए पहला, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अब हमें यहां पर फाइंड करने की जरूरत है। कैसे करेंगे, आइए देखें। सपोज कर लीजिए ये क्या है आपकी पैरेलल प्लेट, इस तरह से ये आपका कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सेपरेशन दोनों प्लेट्स के बीच में कैसा है, डी, और इस वाले एंड को हमने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है।
इसके बीच में जो मीडियम है वो मान के चलिए आप कौन सा है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग क्या हो गया, एरिया वैक्यूम, एरिया वैक्यूम। तो कैपेसिटी का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहली चीज, कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू अपॉन वी। इस प्लेट पर जो चार्ज की वैल्यू है, स्टोर्ड चार्ज की वैल्यू है, वो क्यू और माइनस क्यू ही है। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है गाइस, वो होता है क्यू अपॉन वी। यहां से हमें क्या करना है, इन प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वी, वी की वैल्यू जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्केलर फॉर्म में होती है ई डॉट आर। किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में, ई डॉट आर। आई होप पता होगा आपको कैसे वी और ई के बीच में रिलेशन होता है। देखिए ई की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर और वी की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर। तो अगर वी ई के मल्टीप्लाई में एक आर और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या वो वी के बराबर बन जाता है। तो यहां से हम वी और ई के बीच में एक रिलेशन देखते हैं। देखिए मैं बता देता हूं यहां पर आपको, शायद वहां पर दिख नहीं रहा होगा। देखिए ई की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाय आर। देयरफॉर ई की वैल्यू में के क्यू बाय वी की वैल्यू बनाने के लिए मैं क्या करूं, वी की जो वैल्यू है गाइस के क्यू बाय आर, इसके अंदर अगर मैं दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू बन जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर जो होता है वो ई ही होता है, देयरफॉर वी की वैल्यू यहां से मिल जाती है हमें ई इंटू आर। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ई की वैल्यू और के की वी की वैल्यू से हमने वी और ई के बीच में स्केलर फॉर्म में रिलेशन फाइंड किया, विच इज वी इज इक्वल्स टू ई इंटू आर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करनी है मुझे, उन प्लेट्स के बीच में करनी है, इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए V की वैल्यू को आप E इंटू आर की बजाय लिख सकते हैं यहां पर E इंटू डी, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, D। पोटेंशियल हमें इस रीजन के बीच का ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए E, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दी Between the plates of capacitor, E यहां पर electric field intensity है between the plates of capacitor। तो देखिए E की value कैसे हम determine करेंगे, यहां पर आपका जो capacitor है वो कुछ इस तरह का है, कैपेसिटर जो है वो कुछ इस तरह का है, ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है, इसको अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। यहां पर एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं P, दोनों प्लेट्स के बीच में, बीच के रीजन में एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं P। अब देखिए इस प्लस क्यू प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो और वैल्यू जो होगी वो इस तरफ होगी, इस माइनस क्यू प्लेट की वजह से इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो भी इस तरफ ही होगी। मतलब देखिए प्लस क्यू की वजह से इंटेंसिटी बाहर की तरफ और माइनस क्यू की वजह से इंटेंसिटी अंदर की तरफ, मतलब इस दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन में इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी जो होगी हमारे पास ई, उसकी वैल्यू हो जाएगी ई वन प्लस ई टू। ई वन ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है आपकी, इनफाइनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने गॉस थ्योरम या गॉस एप्लीकेशन में डिटरमाइन कर रखी है, जो कि होती है गाइस क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और ई टू की वजह से भी इंटेंसिटी हो जाएगी क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि ये दोनों ऐड होगी तो दोनों को ऐड कर लिया जाए, दोनों को ऐड कर लेंगे तो नेट इंटेंसिटी हमारे पास में मिल जाती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
नेट इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, ये इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, यहां कहीं भी डिस्टेंस नहीं आया, इसका मतलब इस पूरे रीजन में इंटेंसिटी की वैल्यू यही होगी और कॉन्स्टेंट होगी, यही होगी और साथ साथ क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, तो ये हो गई। तो v की बात कर रहे थे हम, v की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, e इंटू डी। e की वैल्यू अगर यहां पुट करते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा की वैल्यू हो जाती है q बाय a इंटू डी। तो बेसिकली v क्या आ गया आपके पास, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू a। प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल जो आया हमारे पास में गाइस, वो आया है क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू a। देयरफोर कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू बाय वी। इस वी की वैल्यू को यहां रिप्लेस कीजिए तो आपके पास में वैल्यू बन जाती है क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। वी की वैल्यू को अगर यहां रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा, जिससे कि क्यू से क्यू कैंसल आउट हो जाएगा और अपॉन में अपॉन वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, तो आपके पास में पैरेलल प्लेट्स की कैपेसिटी बनती है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। देख सकते हैं आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटी बन जाती है आपके पास में ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा गाइस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देख लीजिए। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, क्लियर, दिस इज दी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर। यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं हम, फर्स्ट सी इज प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, जितना ज्यादा प्लेट्स का एरिया होगा, बड़ा होगा, उतनी कैपेसिटी उनकी ज्यादा होगी। दूसरा सी इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, मीडियम, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, जितना डेंसर मीडियम होगा प्लेट्स के बीच में, सी की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। और तीसरा सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, जितना ज्यादा प्लेट्स के बीच में सेपरेशन होगा गाइस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी प्लेट्स के बीच की उतनी ही कम हो जाती है। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या हो गया, कम हो जाती है, देख लीजिए। आई होप यू आर गेटिंग, ये आपकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो जाएगी, क्लियर। चलिए, तो अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं हम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस हमने फाइंड कर ली, अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं गाइस इसमें जल्दी से। देखिए, पहला केस वन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर इज फिल्ड बिटवीन दी प्लेट्स। क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर इज फिल्ड बिटवीन देम। मतलब ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लस और ये माइनस, यहां पर एक अर्थ कनेक्शन दे रखा है, इसके बीच में गाइस जो मीडियम ऑफ फिल्ड है पूरा, इसके बीच में डी सेपरेशन तक जो मीडियम फिल्ड है वो कुछ एयर नहीं है, वो कुछ अलग मीडियम है, और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है एप्सिलॉन आर।
तो इस केस में ठीक है, जब हम मीडियम चेंज कर दें तो आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? तो वी नो दैट कैपेसिटेंस जो थी हमारे पास में वो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी थी फॉर अदर मीडियम, फॉर अदर मीडियम। अगर हम यहां पर मीडियम चेंज करते हैं, बाकी एरिया ऑफ द प्लेट्स और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, सिर्फ क्या किया है प्लेट्स के बीच का मीडियम जो है वो चेंज कर दिया है। तो अदर मीडियम के लिए देखिए कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन एम बाय डी, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा मीडियम, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। इस परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इस परमिटिविटी ऑफ मीडियम को लिखा जा सकता है ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट बाय डी। हम जानते हैं क्लियर ये रिलेशन होता है गाइस रिलेटिव परमिटिविटी का, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में। तो अब देखिए इसमें से सॉरी ये वाली जो पूरी टर्म है आपकी इसको छोड़ दीजिए, कहने का मतलब ए इसको दोबारा चलिए मैं यहीं पे थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख देता हूं वो ज्यादा बेटर रहेगा। सी मीडियम क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इनटू एप्सिलॉन आर, इज इट क्लियर? तो इसमें से गाइस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी जो होता है क्या ये आपकी इनिशियल कैपेसिटेंस होती है इन एयर और इन वैक्यूम? तो न्यू कैपेसिटेंस जो है वो क्या बन जाती है सी डॉट एप्सिलॉन आर, न्यू कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी सी डॉट एप्सिलॉन आर। और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए हमेशा ग्रेटर देन वन होती है। तो यहां पर सी मीडियम की वैल्यू क्या होगी हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सी इन एयर और वैक्यूम। माने अगर आप दो प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम फिल कर देंगे तो उनकी कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये आपका फर्स्ट केस हो जाता है यहां पर फर्स्ट केस क्लियर। चलिए नेक्स्ट केस एक और देख लेते हैं यहां पर केस सेकेंड। When a dielectric medium epsilon r is partially filled, in form of a slab, in form of a dielectric slab. डायलेक्ट्रिक स्लैब तो आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है। क्या कह रहा है इफ डायलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड इन फॉर्म ऑफ अ डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, तब उस केस में आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इसके बारे में यहां पर बात करनी है। देखिए क्या मतलब, ये आपकी कैपेसिटेंस कैपेसिटर है इस तरह से, ये आपका कैपेसिटर है गाइस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है डी। इस कैपेसिटर में मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर एक डायलेक्ट्रिक मीडियम मतलब कोई दूसरा मीडियम जैसे कि ग्लास सपोज कर लीजिए, ग्लास मीडियम की एक स्लैब पुट कर देता हूं जिसकी थिकनेस जो है वो है टी। थिकनेस क्या है टी। इस टी सिक थिकनेस की ग्लास स्लैब या किसी अदर मीडियम की स्लैब जो है वो हमने यहां पर प्लेस्ड कर दी है। उस केस में इस मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन आर है। इस केस में इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वो हमें यहां पर डिटरमाइन करनी होगी। तो देखिए उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। वी क्या है पोटेंशियल
बिटवीन द प्लेट्स। अब यहां पर पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट की बात करें तो एयर मीडियम के लिए पोटेंशियल अलग होगा और डायलैक्ट्रिक मीडियम के लिए पोटेंशियल अलग होगा। देखिए एयर मीडियम के लिए पोटेंशियल होगा आपका ई एयर डॉट डी माइनस टी प्लस जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी ई मीडियम इनटू टी। बात समझ आ रही है? यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी ई मीडियम इनटू टी और ये हो जाएगा ई एयर इनटू डी। क्योंकि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है तो यहां पर भी इंडक्शन इफेक्ट जनरेट होगा। इंडक्शन इफेक्ट की वजह से यहां पर नेगेटिव पोलैरिटी चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसके अंदर भी गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगी किसी ना किसी अमाउंट की। तो नेट पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी? देखिए एयर वाला जो पार्ट है वो कहां तक है? डी में से टी माइनस कर दीजिए तो ये एयर वाले पार्ट का पोटेंशियल हो गया और ई मीडियम, इस मीडियम की इंटेंसिटी ई है और इसका जो रीजन है वो कहां तक है? टी तक है, तो ये इसका पोटेंशियल हो गया। तो आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। ई एयर क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये वैल्यू हमने बात कर रखी है इसके बारे में। और ई मीडियम हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम इनटू टी। वी इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा इज इक्वल्स टू अगेन क्यू बाय एप्सिलॉन की जगह लिखा हमने एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। तो देखिए वैल्यू क्या बनेगी। तो वी क्या हो गया आपका? वी हो जाता है आपका क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्यू बाय ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। आई होप यही है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू टी। क्लियर? यहां से क्या कॉमन आ रहा है? जो चीज भी कॉमन आ रही है उसको बाहर निकाल लीजिए। q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कंप्लीटली कॉमन है d माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, यही बचेगा अंदर। q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और d माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर आपका क्या रह जाएगा? कॉमन रह जाएगा गाइस। क्लियर? चलिए तो ये आपका नेट पोटेंशियल आ गया। इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। तो C Q अपॉन Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, ये बन जाएगा D माइनस टी टी बाय एप्सिलॉन आर। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू बन जाएगी आपकी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर। क्लियर? आई होप ये क्लियर है आपको। आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी माइनस टी एप्सिलॉन आर प्लस टी, ये वैल्यू बन जाती है और ये हो जाएगी आपकी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये वैल्यू बन जाएगी आपकी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? इसका एलसीएम ले लेंगे, सॉरी इसका एलसीएम ले लेंगे तो एप्सिलॉन आर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टी और ये रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ टी और अपॉन वाला एप्सिलॉन आर भी ऊपर चला जाएगा आपका। तो आइदर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या ये फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूले अपनी अपनी जगह पर करेक्ट हैं। तो ये हो जाती है गाइस, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस बिटवीन देम। इसी तरह से एक थर्ड केस हम और देखेंगे जल्दी से। देखिए when n dielectric slabs of different medium is placed between
दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो वहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी? देखिए आपकी कैपेसिटर जो है वो ये है कुछ इस तरह से, यहां पर हम क्या करते हैं n प्लेट्स यहां पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मीडियम और डिफरेंट थिकनेस, यहां थिकनेस t1, ये थिकनेस t2, ये tn, epsilon, सॉरी, इस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर वन, एप्सिलॉन आर टू, एप्सिलॉन आर एन, मतलब पूरा यहां से लेकर के यहां तक डी जो सेपरेशन है आपका प्लेट्स के बीच का, वो हमने अलग अलग थिकनेस की डायलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दिया है। तो यहां पर जो आपकी कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री डैश 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 वी एन। हर डायलैक्ट्रिक स्लैब पर पोटेंशियल अलग अलग होगा क्योंकि थिकनेस भी अलग है और साथ ही साथ मीडियम भी डिफरेंट है। क्या हो जाएगा, E1 T1 प्लस E2 T2 डैश 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 EN TN। E1 की वैल्यू फर्स्ट स्लैब के लिए वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 इंटू T1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 इंटू T2 डैश 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 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एन टी एन। ये पोटेंशियल हो जाएगा आपका, क्लियर। आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डैश 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 TN अपॉन एप्सिलॉन RN। ये आपका नेट पोटेंशियल हो जाएगा गाइस इस केस में, क्लियर। ये हमारा पोटेंशियल हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डैश 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 TN अपॉन एप्सिलॉन RN। Q से Q कैंसिल आउट, अपॉन वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, देखिए C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डैश 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 TN अपॉन एप्सिलॉन RN। ये आपकी नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी अगर n डायलैक्ट्रिक स्लैब्स, अगर n डायलैक्ट्रिक स्लैब्स को हम क्या कर देते हैं, प्लेस्ड कर देते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये सारे आपके केसेस हो जाते हैं गाइस, ठीक है, केस सेकंड और ये आपका केस थर्ड, नो सॉरी, ये तो केस सेकंड ही है, ये आपका केस थर्ड है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के तीन डिफरेंट केसेस हो जाएंगे, तीनों केसेस हमने डिस्कस किए हैं और साथ ही साथ कैपेसिटी और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को आज डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन पर हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स की। तब तक के लिए बी एट योर होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ में अपने आप प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।